और यहाँ पर अभी हमारी गाड़ी में थोड़ा सा काम चल रहा है, जो भी छोटी मोटी चीजें लगवानी थी वो लगवा रहे हैं। अभी जी काफी टाइम से सोच रहे थे कि लगवानी है, ये सब करवाना है, लेकिन वही है ना कि सब लोग बिजी रहते हैं तो नहीं करवा पाते हैं। तो अभी इमरान भाई आए हुए थे, तो इमरान भाई ने कहा कि चलो भैया चलते हैं आगरा, तो ये लोग आए थे आगरा ये सब करवाने के लिए। तो अभी जी मुझसे कहने लगे कि आप लोगों को चलना है क्या, तो मैंने कहा नेकी और पूछ, हम तो उतावले रहते ही हैं घूमने के लिए। तो मैंने कहा हाँ, आज जुमेरात भी है तो चलते हैं हम लोग भी सैयदना के दरगाह पर, हो आएंगे ज़ियारत कर लेंगे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, मुझे घर से याद नहीं रहा अपना ब्लॉग शुरू करना, तो मैंने यहाँ से शुरू कर दिया है। खैर कोई नहीं, तो अभी चलते हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर थोड़ा सा काम और रह गया है, तो थोड़ी देर में चलेंगे हम सैयदना के दरगाह पर। वहाँ की ज़ियारत आपको भी करवाऊंगी और मैं खुद भी करूंगी, और हमारी छोटी दुल्हन भी आई है तो वो भी करेंगी। तो बस चलिए आपको दिखाती हूँ सैयदना की दरगाह। तो चलिए गाइस दिखाती हूँ आपको कि हमारे कार में क्या क्या काम हो रहा है और क्या हम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मैटी जो है ना वो नहीं डली थी, तो वो डलवा रहे हैं अभी जी, और ये छोटी मोटी चीज़ें लगनी थी तो वही लग रही हैं अभी, तो बस ये लग जाएंगी और उसके बाद में हम जाएंगे ज़ियारत के लिए, तो वहाँ पर मैं आपको भी लेकर चलूँगी। तो फ़िलहाल ये छोटे मोटे काम हैं वो चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, और ये भी लगवाना था हमको तो हो गया है, और हम यहाँ से निकल आए हैं मज़ार के लिए। अभी थोड़ा सा रास्ता है, इसे हमें तय करना है और उसके बाद हम पहुँचेंगे मज़ार पर। तो बस ये देखिए आ चुका है मज़ार का रास्ता, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा सामान मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा सस्ता मार्केट है। बहुत ही प्यारे प्यारे कंगन हैं, ज्वेलरी है, बहुत ही प्यारे प्यारे दुपट्टे भी मिल रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी मैं नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी ज्वेलरी है। कभी आपको अपनी ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल बहुत अच्छा मार्केट है, लेकिन उससे पहले हम करेंगे ज़ियारत और उसके बाद करेंगे शॉपिंग, और शॉपिंग तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो फ़िलहाल अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, मैं, इमरान भाई, हमारी छोटी दुल्हन। तो बस चलिए गाइस चलते हैं अंदर, करते हैं ज़ियारत और आप लोग भी करिए। तो फाइनली गाइज हम लोग अंदर आ चुके हैं ज़ियारत के लिए, और काफ़ी सारे यहाँ पर मज़ार बने हुए हैं, देख ही सकते हैं आप लोग। तो बस अभी थोड़ी देर में मैं आपको ज़ियारत करवाती हूँ, सैयदना सरकार अबू लाला की ज़ियारत करवाती हूँ आप लोगों को। फ़िलहाल ये उनका आप मेन अंदर का रोज़ा देख लीजिए, ये है पूरा उनका रोज़ा अंदर का, और यहाँ पर काफ़ी सारे मज़ार बने हुए हैं और कहा जाता है कि ये उनका पूरा काफ़िला है। तो यहाँ पर भी कुछ करामात जावरे शरीफ जैसी हैं, तो जावरे शरीफ में जैसे बीमार लोगों को शिफा मिलती है जादू बलाओं में जो घिरे रहते हैं, ये तो यहाँ पर भी वही करामात हैं उन्हें, जैसे कि जिन पर भी जादू बलाएँ होती हैं और वो यहाँ आते हैं तो यहाँ से शिफा मिलती है। तो गाइज आपसे बात करते करते मैं आपको बताना भूली गई कि ये हैं सैयदना सरकार का मज़ार, तो आप लोग ज़्यारत कर लीजिए, मैंने तो कर ली है और मैं अभी आप लोगों को करवा रही हूँ। तो गाइज़ ये है यहाँ की कुछ करामात।
तो अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ और अभी हम चलेंगे पीछे की साइड जहाँ पर लोगों को शिफा मिलती है, बीमार लोगों को। और कहा जाता है कि वहाँ पर एक पेड़ है जहाँ पर कि हाजिरी वाले लोग जो होते हैं ना, जिन पर हाजिरियाँ होती हैं और जिन पर जादू बलाए हैं, भूत पलीत होते हैं, वो पेड़ों पर उल्टे लटक जाते हैं पैरों के बल। सर उनका नीचे होता है और पैर ऊपर की तरफ होते हैं। तो फिलहाल अगर ऐसा कोई करिश्मा मुझे देखने को मिला तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल मैं यहाँ पर बैठ कर पढ़ रही हूँ फातिहा। हाँ, जो भी मुझे आता है वो मैं पढ़कर इनके लिए बख्श रही हूँ, इसाले सवाब के लिए। तो फिलहाल आप लोग करिए सब जगह की जियारत और मैं पढ़ लेती हूँ फातिहा। अभी हम आ गए हैं मज़ार के पीछे की तरफ और ये जो आप लोग देख रहे हैं पानी, ये है बजू का पानी। और यहाँ पर आ चुके हैं हम मस्जिद में। तो यहाँ पर औरतें और जेंट्स दोनों की मस्जिद है। तो एक साइड पर है जेंट्स की और एक साइड पर है लेडीज़ की। तो वो यहाँ पर अपने जो भी नमाज़ पढ़ना चाहती हैं, कलाम पाक पढ़ना चाहती हैं, यासीन शरीफ पढ़ना चाहती हैं, जो भी इबादत करना चाहती हैं वो इस तरफ बैठ कर सकती हैं। और इस साइड पर जो आप देख रहे हैं ना, ये है जेंट्स लोगों के लिए। तो जेंट्स लोग भी ये सब कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये अंकल सभी लोगों को हवा कर रहे हैं पंखे से और कुछ दुआएं पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं हम उस तरफ जहाँ पर वो पेड़ है जहाँ लोग उल्टे लटकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़ियारत करवाऊँगी हजरत सैयदना की अम्मी जान की। तो ये उनकी अम्मी जान के मज़ार था जो मैंने आपको दिखाया है। और यहाँ पर देखिए ये बच्चा जो है बहुत ही प्यारा तबला बजा रहा है। तो
वगैरह तो हमने कर ली है और हमने कबाली भी सुन ली है जो कि हमें लगी बहुत ज़्यादा प्यारी। और उस बच्चे के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए। तो फिलहाल लाइक और सब्सक्राइब की बातें तो हम बाद में करेंगे, वो तो आप कर ही लेंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और मैं पसंद आऊँगी। तो फिलहाल गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर लोगों को शिफा मिलती है। और ये जो पेड़ देख रहे हैं ना आप, आधा अधूरा सा कटा हुआ, तो अभी फ़िलहाल ये पेड़ कुछ इस तरह का हो गया है लेकिन अभी भी ये बहुत असरदार है। और यहाँ पर वही लोग रहते हैं जो बीमार होते हैं और कुछ लोग आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर, तो वही हाजिरी वाले लोग हैं यहाँ पर इस मज़ार के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ लोग जाली को पकड़ कर खड़े हो गए हैं और यहाँ पर दिलाई जा रही है फातिहा और बैठे हैं वो जो सैयदना सरकार के मुरीद हैं। और देखिए ये हैं हाजिरी वाली जो मज़ार के गोल गोल चक्कर काट रही हैं। तो अल्लाह ताला इन्हें शिफा दें, यही दुआ करती हूँ। तो फ़िलहाल गाइज देख लीजिए आप लोग भी और मैं भी देख ही रही हूँ। और अगर अच्छा लगे ना तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइज हमने तो ज़ियारत कर ली है और आप लोगों को भी करवा दी है। तो देखिए यहाँ पर मैं शुरू हो चुकी हूँ, मेरी शॉपिंग शुरू हो गई है। अभी मैंने मज़ार पर तो हो आई हूँ लेकिन यहाँ से मेरी शॉपिंग शुरू होती है। बहुत ही अच्छा सामान मिल रहा है बाहर की दुकानों में, तो वो भी मैं लूंगी, तो ले लेते हैं फटाफट से। और शॉपिंग करने का तो मुझे बहुत शौक है, आप लोगों को बताइए। अभी हमें करनी है थोड़ी सी शॉपिंग और उसके बाद हम निकलेंगे। हमारी परीनाश के लिए भी शॉपिंग की है और अपने लिए भी की है। छोटा सा कलाम पाक है मुझे जो मेरी मुमानी सास ने गिफ्ट किया था, उसके लिए मैंने लिया है कवर, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। फिलहाल अभी शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो अभी मैं यहाँ से देख रही हूँ नातों की किताब। आप लोगों को पता ही है मुझे नात पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, मेरी हॉबी है नात पढ़ना। तो फिलहाल देखिए कितना प्यारा प्यारा सामान मिल रहा है, कलाम पाक बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं और कलाम पाक की पेटियाँ भी। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए क्योंकि मुझे यहाँ की चूड़ियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, तो हमने ले लिया है। तो अभी हमारी शॉपिंग वगैरह तो हो चुकी है और हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं मेरी जेठानी जी के घर के लिए। मेरी कौन सी जेठानी हैं और क्या लगती हैं रिश्ते में वो मैं आपको आगे बताऊंगी आगे व्लॉग में। फ़िलहाल आप लोगों से लेती हूँ विदाई। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द लौट कर आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।